Now we will discuss protection of children from sexual abuse in early years education in Pakistan, challenges and issues. So, the first thing is comprehensive child protection policies we need to cover this issue. And then, training and awareness of our staff and our stakeholders. Then, screening and background check. मसले को कंट्रोल करें तो हमें कुछ स्टेप लेने होंगे एक तो ये कि हमारे आईन में हमारे कवानीन ऐसे मौजूद होने चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, शार्प हों और क्लियर हों कि भाई बच्चों का तहफ़ किस तरह से किया जाना चाहिए फिर उन पॉलिसीज़ पर जो हमारे पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर हमें बैकग्राउंड भी तो देखना है ना स्क्रीनिंग भी करनी है कहाँ क्या हो रहा है डेटा इकट्ठा किया जाए लोगों से सलाह मशवरा किया जाए कि जो उनकी कस्टडी में बच्चे हैं जैसे स्कूल्स में हैं पब्लिक हैं प्राइवेट हैं मदारस हैं जहाँ जहाँ बच्चे मौजूद हैं वहाँ उनके हालात का जायज़ा लिया जाए कि कहाँ से उनको ख़तरा हो सकता है कैसे उनको ख़तरे से बचाया जा सकता है दैन सुपरविजन एंड मोनिटरिंग फिर इस पर निगरानी की जाए कि अगर आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है या करवा रहे हैं तो देखें कि आया वाकई वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो गई है और फिर ये कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसिस आ रहे हैं दुनिया के जितने बड़े इदारे हैं वो जब कभी कोई एक्शन लेते हैं तो उसको असेस करते हैं और उन्होंने शुरू में कुछ बेंच मार्क्स या आउटकम्स जो हैं वो तरतीब दे दिए होते हैं जिनको वो देखते हैं कि क्या हमने ये हासिल कर लिए या नहीं कर लिए देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी जैसे हमने अर्ज किया कि हमारे बहुत से वायोलेशन के सेक्सुअल अब्यूज है कोई और तरह की वायलेंस है वो रिपोर्ट ही नहीं होता लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं करते कि भाई वो माशरे में उनका नाम फैल जाएगा उनकी इंसल्ट होगी बेइज्जती होगी लोग क्या कहेंगे तो इस सिलसिले में अगर हम चाहते हैं कि वाकई लोग आएँ और इस मसले पे बात करें और बताएं क्या हुआ है तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी भी हमें मेंटेन करनी होगी फिर कलेबोरेशन विद अथॉरिटीज़ देखिए हम ये कर रहे हैं कि जितने ऐसे इदारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के हकूक की स्टेक होल्डर्स हैं और वो उनसे कंसर्न हैं तो वहाँ तक हमारी एक्सेस जब पहुँच होनी चाहिए और हमें उनके साथ कलेबोरेट करना चाहिए क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली कोई भी चीज़ रोकना चाहेंगे तो उस वक्त तक नहीं रोक सकते जब तक मजमुई तौर पर हमें कानूनी हिमायत हासिल ना हो या इदाराती हिमायत हासिल ना हो या लोग हमारे साथ ना हो वो जो जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोलेबोरेट करना जरूरी है देन पेरेंटल इंगेजमेंट जो आपका इदारा सबसे पहले शुरू होता है वो घर का इदारा है फैमिली से शुरू होता है फैमिली में पता होना चाहिए कि खुद हमने बच्चों को किस तरह से वायोलेट नहीं करना और ख़ुद हमने उनके हकूक़ का तहफ़ कैसे करना है फिर ये कि अगर घर से बाहर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है फिज़िकली सेक्शुअली मैंटली साइकोलॉजिकली तो कैसे उनको बचाया जा सकता है उनकी ट्रेनिंग कैसे करें तरबियत कैसे करें उनको बताएं कैसे कि बेटा कहाँ जाना है किससे बात करनी है कैसे बात करनी है ये सारी चीज़ें पेरेंटल अवेयरनेस पे मुनसर है अगर उनको बता दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक मामले की ग्रास रूट तक हम पहुँच जाएंगे देन रेगुलर रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट तो एक बात तो तय है कि जितनी भी हम पॉलिसीज uh, को इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्शन लेते हैं उनको रिव्यू किया जाना चाहिए रिव्यू इस सिलसिले में कि हमने कुछ बेंच मार्क्स या कोई सेट कर दिए थे हमने कोई टारगेट अब वो टारगेट अचीव हुए कि नहीं अगर नहीं हुए तो क्या वजूहत थी कहाँ कमी रह गई क्या डिफिशेंसी थी और अगर अचीव हो गए हैं तो फिर वो एक री है फिर फर्दर हम उसको करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर किसी वजह से कोई मसाइल हुए हैं या हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो दोबारा से नया एक्शन प्लान बनाया जाएगा फिर नई स्ट्रेटजीज तरतीब दी जाएंगी और जिन लोगों के साथ हमारा क्लेबोरेशन नहीं है मज़ीद उनसे इंफॉर्मेशन भी ली जाएगी और उनको बताया जाएगा कि हम इस वक्त तो कहाँ पे हैं और मज़ीद आगे बढ़ने में वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं